आज मैं जा रहा हूँ हिमाचल की बहुत ही खूबसूरत जगह पर। नाम मैं बता दूंगा बाद में, पहले सीधा व्यूज देखेंगे। ठीक है, हम तोड़ गए जब तुम जगे, तब से तुम नजर फाइनली हम पहुंच गए हैं। यहाँ हमने कैंप लगाना है। ओए ऊपर गंदी रोड है यार भाई, लैंड खराब है भाई। रात के 12 बज गए हैं, हम अभी तक डिनर नहीं किया हमने, एंड शोर आ रहा होगा अभी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये नदी के किनारे खड़े हैं हम। रात के 3 बजे खाना बन रहा है कि 2 टाइम क्या हो रहा है? घंटा फर्क नहीं पड़ता। 2 बजे। Yes, just like that. यार ज़्यादा तो नहीं चल गया। एल्बो आपकी थोड़ी ज़्यादा टर्न है, उसको थोड़ा कम कर। Yes. And अब ये बनेगा बहुत ज़्यादा delicious. ये मैं इनके लिए बना रहा हूँ। मेरे लिए दाल मखनी बन रही है। मन्नू भैया भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज के लिए। ओह राइस, जीरा राइस। यू वांट राइस? ये बेबी। ओके, यहाँ पर हम रात को रुके थे, रात के 3:30 बजे आए थे हम यहाँ पर। मेरे साथ क्या बोल रहे पड़ गया सो रखे हैं। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर। दिस इज द प्लेस वेयर आई वाज यस्टरडे। सुबह के 6 बजे है, रात को 3-4 बजे सोए, एंड मुझे सुबह का थोड़ा यहाँ माहौल देखना था, नेचर का, तो मैं 6 बजे उठ गया। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो। ओके, सो दिस लोकेशन इज साधु पुल, जो चहल में है हिमाचल प्रदेश में, एंड जहाँ हमने जाना था वहाँ जाने के लिए काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए हम जा नहीं पाए थे उस जगह पर। सो हम यहाँ बीच पे रुक गए थे। तो अभी साधुपुल में ही हैं, एंड किसी ने बताया यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ जरूर जाके जाना, तो बस वहीं जाट। लेकिन हम जा नहीं रहे मंदिर, क्यों नहीं जा रहे? लोकल्स का है, छोड़ो। ओके, वैसे हम नहाए हुए भी नहीं है ना, नहाए भी नहीं है, मुँह तक नहीं धोया ना, मुँह तक ही धोया है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ लगी हुई है मेरे ख्याल से, मैं अगर एक दो तो तोड़ लूँगा, मेरे को मना तो नहीं करेंगे। फ्रांस बीन्स, तो ये फ्रांस बीन्स एकदम ताज़ी। ओके, इनको खाना कैसा होता है देखो, ये इधरा इटोरा। ओके, अभी एक चीज़ हुई, ये ज़्यादा फ्रेश है ना, इसलिए इनके जो साइड का रेशा होता है ना वो निकला नहीं है, लेकिन इसे आप तब भी खा सकते हो। ओहो, मिठी हो रही है तो, हाँ हाँ बहुत सही। सब्जी की एक चीज़ बताता हूँ मैं, अगर ऐसे टूट जाए ना, मतलब सब्जी फ्रेश है। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको फिशेज दिख रही है छोटी छोटी, बेबी कैमरे में यहाँ से दिखेगी, देखिए विजिबल है। ओके, इन फिशेज का नाम क्या है? थोड़ा टंग ट्विस्टेड टाइप का नेम होता है इनका, पाइड्रोसेप्रिस प्रोगैनिटा ऐसे कुछ होता है, मैं भी क्लियर बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, तो पाइड्रोसेप्रिस प्रोडैनिका ऐसे कुछ नाम होता है। इनको पकड़ते कैसे हैं,
ये सिर्फ ना ट्रस्ट पे आती है तुम्हारे पास। अब जैसे मैं एकदम बैठूंगा ना ये भाग जाएंगी, अगर मेरे को इनको पकड़ना है ना तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा सब्र का काम होता है जो कि मेरे अंदर है नहीं वैसे, लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ, आपको पकड़ के दिखाता हूँ मैं। नहीं आएंगे ऐसे, लो देखो दिखा कहाँ जा रही है। ये है पाइडोसेप्टिस प्रोटानिका। ओके, जो इन फिश की लेंथ होती है ना वो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, लेकिन ये अभी छोटी है तो बड़ी। और इनका एक और सीन होता है, इनका ना ग्रुपिज्म वाला सिस्टम होता है। ये क्या करते हैं, अब इसको छोड़ रहा हूँ, देखो कहीं फोटो खा गया क्या। इनका तो ना ग्रुपिज्म वाला सिस्टम होता है कि दो जोड़े होते हैं वो अपनी खुद की सेंचुरी बनाते हैं। एंड कैसे करते हैं कि जोड़े हो गए वो रहते हैं और फिशेज के ना बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये है साधु पुल जो कि चैल एंड सोलन के बीच पर है। चंडीगढ़ से सिर्फ ये 2.5 घंटे की दूरी पर है। साधु पुल से थोड़ा ही दूर, करीब आधे घंटे दूर, कालीदा डिब्बा टेम्पल है जो कि हाईएस्ट पॉइंट है चैल का। सो मेरा नेक्स्ट व्लॉग उसी के ऊपर है, इसका पार्ट 2 है जो, तो उसे ज़रूर देखना। थैंक यू। देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल ये फिर कहाँ आज अचानक।